अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। और आज मैं मेहंदी मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। पिक्चर तो आपने देख ली होंगी, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और मैंने लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप उनको चेकआउट करना ना भूलें। और आइए आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये है ग्लिसरीन और रोज़ वाटर का टोनर, ये सबसे पहले मैं अपने फेस पर स्प्रे करने वाली हूँ। उसके बाद ये है मिस रोज़ का आईब्रो पैलेट, इससे मैं अपने आईब्रो सेट करूँगी। आज मैंने बिल्कुल इसकी स्पीड तेज़ नहीं की है, मैंने स्लो स्पीड में ही तमाम क्लिप्स ऐड किए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, बट प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड रिज़ल्ट देखने के लिए, क्योंकि बेस बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो यहाँ पर मैं स्पूली से अब इसको कॉम कर रही हूँ। मेरे आईब्रोज़ दोनों सेट हो चुके हैं और ये है आइवरी शेड में क्रेलॉन की पेंट स्टिक। सो इससे मैं अपने आईब्रोज को हाईलाइट करूँगी। जी तो ये देखिए, मैं बड़ा फ्लफ़ी ब्रश लेके इससे अपने जो ब्लेंडिंग कर रही हूँ पूरी बेस की, जो आई बेस मैंने लगाई है, और हाई लाइट की अपने आईब्रोज को। अब ये मेरा फेस पाउडर है टूटा हुआ, लेकिन मैं इसी से अपना काम करूँगी और अपनी बेस को सेट करूँगी। जी तो ये मेरी बेस ऑलमोस्ट सेट हो चुकी है। अब ये न्यूड पैलेट है हुदा ब्यूटी का, उसमें से ये वाला शेड टेडी लेके मैं अपने आईब्रोज़ के जो क्रीज एरिया है उसको करूँगी ब्लेंड। और ये देखें मैं कैसे कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आउटर कॉर्नर पे टैप टैप करके मैंने प्लेस कर दिया आई शेडो, और बाकी को मैं क्रीज एरिया की तरफ ब्रश को शिफ्ट कर रही हूँ, मतलब इस तरह फेर रही हूँ कि वो जो आउटर कॉर्नर पे मैंने कलर लगाया था वही सारा क्रीज एरिया के इनर कॉर्नर की तरफ चला जाए। मैं इसको और मज़ीद कलर नहीं ले रही हूँ, मैंने जो पहले कलर लिया था उसी को मैं आगे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो पूरी आई पे प्लेस हो जाए। जी तो देखिए, अब मेरा पूरी आई लिड पे, सॉरी क्रीज एरिया पे वो हो चुका है। अब ये फाइनल टच की पैलेट है और इसमें से ये डार्क ब्राउन शेड लेके मैं इसको भी इसी तरह पहले आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर दूंगी अच्छे से, फिर इसको हल्का सा, छोटा ब्रश है ये, फ्लफी ब्रश ही है बट छोटा है, तो यहाँ पे मैं क्रीज एरिया की तरफ इसको भी ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो एक डेप्थ क्रिएट कर दे मेरी आँख में। तो पहले काफ़ी ऊपर तक मैंने जो लाइट ब्राउन शेड था वो काफ़ी ऊपर तक मैंने प्लेस किया था, बट ये नीचे नीचे बस मैं क्रीज लाइन पे कर रही हूँ इसको फोकस, और ब्लेंडिंग में इसकी राउंड शेप में और टू एंड फ्रो मोशन में मैं इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपनी कट क्रीज करने वाली हूँ। मैंने एंगल ब्रश लिया है और उसी आइवरी स्टिक से ही मैंने कलर उठा लिया है, स्टिक उठा लिया और इसको तीन लाइंस लगा के, मैं एंगल ब्रश है तो इसको मैंने अच्छे से राउंड शेप दे ली है अपने आईज़ पे, और ये मैं आधे से थोड़ा सा ज़्यादा इसको करूँगी, मैं क्रीज एरिया को कट करूँगी अपने, ये देख सकते हैं आप लोग। ये मैंने येलो शेड लिया है, सो इसको मैं अपने
आई लिड पे प्लेस कर रही हूँ। छोटा ब्रश मैंने लिया है, बिल्कुल फ्लैट ब्रश था, उससे मैं येलो कलर को अपनी आई लिड पे प्लेस कर रही हूँ। जी तो ये देखिए मेरा ऑलमोस्ट येलो शेड हो चुका है, और अब मैं वही फ्लफ़ी ब्रश जैसे मैंने ब्राउन शेड लगाया था या ब्लेंड किया था, वही फ्लफ़ी ब्रश लेके फिर मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइंस ना रहें। बट मैंने इस पे कलर मज़ीद नहीं लगाया, वही ब्रश सेम मैंने ज़रा सा भी कलर नहीं मज़ीद उठाया, और उसी से ब्लेंडिंग कर रही हूँ मैं ताकि हार्श लाइंस मेरी हट जाएँ। अब यहाँ पे मैंने ये एक्वा का क्रेलोन का एक्वा का आईलाइनर लिया है जो पानी से एक्टिवेट होता है, और इसको मैंने टोनर से एक्टिवेट करके, जो मैंने टोनर स्टार में लगाया था उसी से एक्टिवेट करके मैं अपना लाइनर ड्रा कर लूँगी, जो बहुत खूबसूरत सा विंग क्रिएट होगा। अब ये देखिए मेरा आईलाइनर एक आँख पे ऑलरेडी मैंने लगा दिया, क्योंकि मैं एक क्लिप बीच में से दूसरी आँख वाला हटा रही हूँ, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो होती है और इसको शॉर्ट करना हमारा काम होता है, सो मैं इसको शॉर्ट कर रही हूँ। अब ये देखें मैं विंग क्रिएट कर रही हूँ। ये देखें जी आईलाइनर लग चुका है, और अब ये मैं नेकेड 5 का वाटरप्रूफ मस्कारा लगाऊंगी अपने आईलैशेस पे। ये लगा लिया है मैंने मस्कारा, इसके बाद मैं लैशेस को कर्ल करूँगी, और ये देख सकते हैं मैं लैशेस को कर्ल कर रही हूँ मस्कारा लगाने के बाद। मैंने यहाँ पे फालसीज नहीं लगाई थी इस लुक में, अब ये मैं बेस बनाने लगी हूँ। ये FS45 है इंडियन बेस का, ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी, सो आप लोग भी मंगवा सकते हैं, अगर लिंक चाहिए तो मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। अब मैं फिर से फेस पाउडर को एक छोटे फ्लफ़ी ब्रश से अपने फेस पे लगा रही हूँ, और अब इसके बाद मैं जो लोअर लैश लाइन पे ब्राउन शेड लगाऊंगी, लेकिन पूरा मैंने एंड तक नहीं लगाया, मैंने ये देखे कॉर्नर छोड़ दिया था, और कॉर्नर पर मैं येलो शेड ही लगाऊँगी जो मैंने ऊपर लगाया था। यहाँ पर मैं बस ब्राउन शेड लगा रही हूँ आँख के आउटर कॉर्नर तक। तो यहाँ पे इनर कॉर्नर पे अब ये देखें मैंने लोअर इनर कॉर्नर पे मैंने येलो शेड लगा लिया है, और ये देखें अब मैं अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ, इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी, इसके अलावा मैंने कुछ मज़ीद नहीं किया था, मैंने वाइट काजल भी नहीं लगाया था। अब ये कंटूर स्टिक है जिसे मैं अपने फेस को कंटूर करूँगी, बट असल में ये हुआ कि जब मैं बेस बनाने वाली थी तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैं गेट खोलने गई तो मैंने कैमरा बंद किया और वापस आके मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कैमरा ऑन करूं, सो इसलिए बेस की क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अब ये इस तरह देखे मैंने डॉट फॉर्म में अपने किस तरह एंगल टाइप क्रिएट किया ताकि मेरा फेस लिफ्टेड लगे। ये मैंने डार्क कंसीलिंग की है, सॉरी कंटूरिंग की है, डार्क कंटूरिंग की है। मैंने अपने माथे पर भी इसको डॉट्स लगाए थे ताकि मेरा माथा थोड़ा छोटा लगे, बहुत बड़ा है, नाक पे भी, और मैंने अपनी ये चिन को भी कंटूर किया था ताकि ये थोड़ा लिफ्टेड लगे मेरा फेस। जी तो देखें कितनी हसीन कंटूरिंग हुई है, मैंने इस ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसको कंटूर किया था। ये मेरी टूटी फूटी शादी से पहले की ब्लश ऑन किट है, सो यहाँ से मैंने डार्क रेड वाला शेड उठा के इसको अपने मैंने कर दिया था ब्लश ऑन अप्लाई, बट थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा था तो मैंने इसको बाद में लाइट किया था। ये मैक का हाइलाइटर है जो मैं अपने फ्लफ़ी ब्रश से ही इसको यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। मैंने अपने पूरे फेस पे लगाया था जहाँ जहाँ मैं लगाती होती हूँ, क्यूपिड बो और सारा कुछ। अब मैंने स्प्रे कर लिया सेटिंग स्प्रे, और ये गोल्ड की लिपस्टिक है जस्ट गोल्ड की, इसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ। मैंने कोई आउटलाइन नहीं किया था लिप्स को, अपने क्यूपिड बो पे भी मैंने हाइलाइटर लगा दिया था जिससे मेरे होंठ थोड़े लग रहे थे कि
हाईलाइट हुए हुए हैं, सो बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये बहुत खूबसूरत ऑरेंजिश पिंकिश शेड था, एग्जैक्ट कौन सा है आई रियली डोंट नो, बट कुछ प्रोडक्ट्स मैंने लोकल मार्केट से बाय किए थे और कुछ मैंने ऑनलाइन दरा से मंगवाए थे, कुछ एक इंस्टाग्राम स्टोर है उससे मंगवाए थे। आप लोग अगर जानना चाहते हैं, आप लोग ये प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस स्टोर का लिंक चेक कर सकते हैं, मैंने दे दिया है। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ उनका रिव्यूज़ देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप लोग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहते हैं और आप लोग देखना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लें। अब ये देखिए जी, मैं ये फ्लावर ज्वेलरी पहन रही हूँ, ये आर्टिफिशियल फ्लावर ज्वेलरी है, और ये मैं झुमके पहन रही हूँ। पिन्ने मैंने नहीं उतारी थी क्योंकि मेरे बाल बार बार मुँह पर आते हैं, तो मुझे बहुत इरीटेशन होती है। तो ये देखें जी, ये मेरा फाइनल लुक है, और ये मेरा अपना मेहंदी का जोड़ा है जो मेरी शादी पर मैंने पहना था, और ये मैक्सी मुझे बहुत अच्छी लगी है। सो आप बताएंगे आपको ये आज का लुक कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।